हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जल एकादशी आने वाली है। निर्जल एकादशी दिन सोमवार और 21 जून की है। तो दोस्तों, निर्जल एकादशी की मैंने पूजा विधि आप लोगों को पहले पाठ में बता दी है, लेकिन ये जो दूसरा पाठ है इसमें जो है निर्जल एकादशी की मैं आप लोगों को व्रत कथा सुनाऊंगी। और व्रत कथा बहुत ही सुनने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हम पहले पूजा करते हैं, उसके बाद व्रत कथा सुनते हैं। तो आप लोग मेरे साथ व्रत कथा सुनिए। उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग तो बहुत हो रहा है दोस्तों, आपका बहुत साथ है, बहुत ही सपोर्ट मिल रही है, बहुत ही प्यार और सम्मान मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या है कि अभी बहुत ही सम्मान और बहुत ही आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेरा चैनल जो है सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एकादशी के निर्जल एकादशी की व्रत कथा। जो दोस्त, जो मेरी बहनें हैं, सहेली हैं, मुझसे बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, तो मैं आप लोगों को एकादशी की जो है व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आप एकादशी की जो व्रत कथा है बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं एकादशी का व्रत अगर आप लोग नहीं रख रहे हैं तो एकादशी की व्रत कथा सुनने से, सुनने मात्र से ही पापों का जो अंत हो जाता है और अच्छा शुभ फल देने वाली एकादशी की व्रत कथा है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान के साथ और बहुत ही प्रेम के साथ एकादशी की व्रत कथा वॉच कीजिए। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही भयंकर कलयुग चला हुआ है, इसमें हमसे जितना हो सके उतना ही अच्छा कार्य करें। तो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा फल देने वाले जो होता है एकादशी का व्रत होता है। और जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो विष्णु भगवान की पूजा और एकादशी का व्रत करते ही करते हैं, हर हाल में करते हैं। अगर हमारे शरीर का जो सामर्थ्य सही होता है तो निर्जल रहे या फलहार रहे, अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों को व्रत रखना चाहिए। और दोस्तों, तो मैं आप लोगों को निर्जल एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। पहले बहुत ही असुविधा थी, अब बहुत सुविधा है जब से ये बड़े फ़ोन आ गए हैं टच, तो जब से तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन इतने ही नुकसान भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदे हैं। जिनके पास किताब नहीं है, जो थोड़ा पढ़े लिखे कम हैं, वो लोग जो हैं व्रत कथा नहीं पढ़ पाते थे या व्रत कथा सुनने के लिए परेशान हो जाते थे। तो अब परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल बने हुए हैं जिन पर एकादशी की व्रत कथा आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों को एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो वॉच कीजिए एकादशी की व्रत कथा और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी। तो एकादशी की जो व्रत कथा है बहुत ही अच्छी है। जो व्रत भीमसेन ने और कुंती पुत्रों ने, द्रौपदी ने, सभी ने मिलकर किया था। तो आज के युग में जो है ये महाकल्याण वाली एकादशी है, महाकल्याण व्रत है। तो आप लोग प्लीज़ निर्जल नहीं रह सकते तो फलहार रहिए, लेकिन एकादशी का व्रत जो है कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, निर्जल एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी एकादशी है। तो निर्जल एकादशी जो है जेठ मास में शुक्ल पक्ष में निर्जल एकादशी का जो व्रत पड़ता है, तो मैं उसका महत्तम जो है आपको सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से वॉच कीजिए। बोल विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अप्सरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया है। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम परमात्मा सत्यवती नंदन
व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्विद और वेद वेदांगों के परमागत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे, द्वादशी को स्नान आदि पवित्र और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन जना सोच और मरण सोच में एक एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं लोगों से यही कह दिया है कि कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास कैसे करके मैं रह सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। मेरे हृदय में वर्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ हो, सुलभ हो, जिससे करने पर मैं कल्याण भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, जेठ मास सूर्य वृक्ष शिखर पर हो या मिथुन शिखर पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यतन पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। निरंतर द्वादशी को निर्जल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जल एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसे तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव वन मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो वह एकादशी को निहार रहे तो वह पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबर धारी सौम्य सहभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, उनके मन के सामने वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु धाम ले जाते हैं। अतः निर्जल एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों को शांति के लिए यत्न करने के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उनसे मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। सुना गया है कि मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान दान जाप होम आदि जो कुछ भी करता है उस सब का अक्षय होता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन, निर्जल एकादशी विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पदक प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में चाणक चंडाल के समान वह मरने के दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ
ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान देंगे वे ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर और गुरु द्रोह होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन जलमय धेनु दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण आवश्यक संतुष्ट होते हैं। उन्हें संतुष्टि होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करता है। जिन्होंने शाम दम और दान में प्रवृत्ति की श्री हरि का पूजन रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जल एकादशी का व्रत किया है उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। निर्जल एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गोजल सैया सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठ के स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनाता है जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं। चतुर्दशीय अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इस श्रवण से प्राप्त होता है। जो पहले दंत धावन करके यह नियम लेता है कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निहार रहकर आज मन के सिवा दूसरा जल भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निमित्त मंत्रों का उच्चारण करें। देव देव हरिकेश संसारण वातारक उद्कुंभ प्रदोनन नया मम प्रम गतिम संसार सागर में तारने वाले देव देव हरिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन ने जेठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत किया जाना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु समीप पहुँचा कर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है अन्नमय पदों को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोल विष्णु भगवान की जय। दोस्तों यह आपने एकादशी की व्रत कथा सुनी और ये एकादशी की व्रत कथा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभदायक है। इससे बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। अगर आपको कथा अच्छी लगे और तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको कथा कैसी लगी और जो व्रत में रखे वो भी कथा सुने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है पूरी वॉच क्या कीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को व्रत कथा सुनाई है, आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अगली वीडियो में मेरे ठाकुर जी जो हैं क्या टॉपिक देते हैं और किस तरह का आप लोगों को ज्ञान देने का मुझे तरीका बताते हैं। तो दोस्तों ये मेरे ठाकुर जी हैं बहुत ही प्यारे से, देखिए दोस्तों इनकी जो बांसुरी है। तो मेरे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए और आप लोग बताइए कि मेरे लड्डू बाबू आपको कैसे लगे।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।